तो अभी देखिए सामने है ताजमहल, और ये रहा यमुना नदी का पानी, देखिए यहाँ तक आ गया। और अगर और पानी ऊपर हुआ तो ताजमहल की जो बाउंड्री है वहाँ तक पहुँच जाएगा पानी। कुछ भी हो, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप देख सकते हैं मेरे पीछे है यमुना नदी, और इसका जो वाटर लेवल है अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी 2 दिन कम हो गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ चुका है। अभी दिखाते हैं आपको पीछे से। तो देखिए अभी पानी कम हो चुका था, लेकिन अभी दो दिन पहले फिर से पानी छोड़ा गया वहाँ से, दिल्ली से, तो फिर से पानी यहाँ पर आ चुका है। देखिए आप जहाँ निशान दिख रहा है जो वहाँ का एतमादौला का, काफ़ी पानी ऊपर तक आ चुका है। और देखिए सामने, तो फिर से एक बार बाढ़ के संकेत है आगरा में। तो देखिए अभी वाटर लेवल फिर से ऊपर हो चुका है, और पहले कल के मुकाबले, और किसी दिन यहाँ पर पानी था, ये सूखी जगह देख रहे हैं। और अभी देखिए ये देखिए, इसमें जहाँ तक पानी के निशान है वहाँ तक पानी हो गया था, उसके अंदर ही पानी चला गया था मंदौला के। देखिए तो अभी पानी का बहाव देख रहे हैं, अभी भी काफ़ी तेज़ बहाव है, और हो सकता है फिर से पानी का लेवल है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन कम हुआ, लेकिन अब से फिर से वाटर का लेवल है वो बढ़ रहा है। देखिए लगातार बढ़ रहा है पानी का लेवल, बोरा सामने एतमादौला। अब एतमादौला देखकर ही एक आइडिया लगा सकते हैं कि पानी कितना था। देखिए ये है यमुना किनारा रोड, और ये है यमुना। देखिए पानी बिल्कुल रोड के लेवल पर ही है, बस थोड़ा ही पानी ऊपर हुआ तो ये रोड है वो डूब जाएगी, तो फिर से एक बार बाढ़ के हालात बन सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम आगरा के अंबेडकर पुल पे, और ये है सामने हमारे यमुना मैया, जो अभी काफ़ी अपने विकराल रूप में है। और सामने है सन, और देखिए कितना सारा पानी है। और ये दूसरी बार हुआ है करीब 70-80 साल बाद, जो इतना पानी आया यमुना नदी में। देखिए कहाँ तक पानी है। और सामने देख रहे हैं अब जो ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वो है कॉस्मोस, और ये रहे यमुना किनारा रोड। और पानी देखिए रोड और यमुना बिल्कुल लेवल पे ही है, बस थोड़ा पानी और हुआ तो रोड डूब जाएगी उसमें। और अभी आपको लेके चलते हैं ताजमहल की ओर, ताजमहल का भी दिखाते हैं क्या पोजीशन वहाँ पे। तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, हद से ज़्यादा पानी है यहाँ पर। देखिए यमुना नदी में देखिए पीछे ऐसा लग रहा है कि समंदर हो। तो यहाँ पर देखिए सामने है रेड फोर्ट, और पानी यहाँ तक आ गया, लोग यहाँ पर वो कपड़े वगैरह धो रहे थे, ये भी डूब चुके सारे। और काफ़ी ज़्यादा फिर से एक बार वाटर लेवल ऊपर उठा है, फिर से खतरे के संकेत हैं। बट जो भी है, नज़ारा कितना शानदार है, देखिए रेड फोर्ट, शायद ये कभी फिर मिले देखने को नहीं, तो आज ही देख लीजिए इसे। देखिए तो अभी देखिए, अभी हम जो ताजमहल के जस्ट पीछे पार्क मेहता पार्क, उसके साइड में, तो देखिए काफ़ी सारा पानी यहाँ से भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ही पानी दिख रहा है, देखिए चारों तरफ। Thank you.
अच्छा जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है। तो ये देखिए सामने ताजमहल और इसके जस्ट बगल में शमशान घाट। शमशान घाट पे जो पानी का लेवल है वो देखिए बिल्कुल उसके जस्ट बिल्कुल बराबर पे है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए जो जूम करके दिखाते हैं, देखो उसमें ही अंदर जा रहा पानी। In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you when your heart is to mine. देखिए पानी हंसे ज्यादा है, फिर भी लोग नहा रहे हैं, उसमें इंजॉय कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। देखिए कैसे मजे ले रहे हैं। और ये सामने देख रहे हैं आप स्ट्रेची ब्रिज आगरा का, उसके पीछे आपको दिख रहा है रेड फोर्ट। खैर जो भी है, फर्स्ट टाइम है तो मजे ले रहे हैं, लेने दीजिए। और अभी चलते हैं।